फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे सवाल के बारे में जो बहुत से लोगों के मन में आता है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में। यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आईफोन एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, और आईफोन ही नहीं एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, महंगे क्यों होते हैं। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आईफोन और एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो इसको बाकी दूसरे ब्रांड से डिफरेंट और एक्सपेंसिव बनाता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैप्सूल। फ्रेंड, जैसे ही बात आती है गैजेट्स की तो एप्पल का नाम आता ही है, और जब एप्पल की बात करते हैं तो आईफोन्स की बात करें या आईपैड्स की या मैकबुक या एयरपॉड्स की, एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट काफ़ी महंगे होते हैं। इनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि कॉमन मैन के लिए इसके प्रोडक्ट को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर बहुत से लोग आईफोन ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आईफोन के प्राइस की वजह से नहीं ले पाते। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये इतने महंगे होते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत से रीज़न हैं जिसकी वजह से एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का मानना है कि एप्पल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखता है, और एप्पल अपने लोगों का पैसा चार्ज करता है, अपने ब्रांड का पैसा चार्ज करता है, जो कि सही भी है। एप्पल डेफिनेटली प्रॉफिट ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, और कहीं ना कहीं ये भी सच है कि एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड है और इसकी वजह से भी वो एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि एप्पल ने एक ऐसा रेपुटेशन क्रिएट कर लिया है, एक ऐसा ब्रांड क्रिएट कर लिया है कि लोग प्रीमियम अमाउंट देकर भी उसे ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन क्या जो लोग पैसे देते हैं वो सिर्फ लोगों के लिए देते हैं? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पर एप्पल बहुत कुछ ऐसा ऑफर करता है जो कहीं ना कहीं उस प्राइस को जस्टिफाई करता है। इसलिए थोड़े से ज़्यादा पैसे देने के बाद अगर अच्छा प्रोडक्ट घर आ रहा है तो लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कंप्लेन नहीं होती है। और तभी इतना महंगा होने के बाद भी लोग आईफोन्स या एप्पल के प्रोडक्ट को ख़रीदना नहीं छोड़ते। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या फिर कोई नया वर्ज़न आता है, लोग पहले ही दिन जाकर उसे ख़रीदते हैं और अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता है कि एप्पल या आईफोन एक्सपेंसिव है सिर्फ इस वजह से, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसकी लिस्ट लंबी है। यहाँ पर ऐसे बहुत से रीज़न हैं, बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स में एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। फ़ोन में आईफोन अच्छा है, टैब में आईपैड अच्छा है, लैपटॉप में मैकबुक अच्छा है। मतलब एप्पल एक अच्छी क्वालिटी का, एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है। एप्पल के प्रोडक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रीमियम होते हैं। यहाँ पर क्वालिटी के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। एप्पल अपने प्रोडक्ट में एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करता है जो इसको एक्सपेंसिव बना देता है। क्योंकि जैसे मान लो आप एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदते हो किसी भी ब्रांड का, जिसका कैमरा सही है, स्टोरेज सही है, फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस सही है हर एस्पेक्ट से, और आप उसे यूज़ करते हो, तो यूज़ करते करते टाइम के साथ उसकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी डिक्रीज़ होने लगेगी, फ़ोन स्लो होने लगेगा। मतलब पहले वाली क्वालिटी नहीं मिलेगी, पहले वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन जब आईफोन्स की बात करते हैं तो आपको सेम परफॉर्मेंस क्वालिटी मिलेगी जब तक उसमें कोई फिज़िकल डैमेज ना हुआ हो। हाँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईफोन आपको महंगा मिलेगा, बट एट द सेम टाइम इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि आप उसे आराम से 4-5 साल यूज़ कर पाएंगे बिना कोई प्रॉब्लम के, सेम परफॉर्मेंस क्वालिटी के साथ। लेकिन आप ऐसा किसी और फ़ोन के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्पल के फ़ोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है जो इसको महंगा बना देता है, एक्सपेंसिव बना देता है। इसके बाद दूसरा जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर और एक्सपेंसिव हैं, वो है सिक्योरिटी। एप्पल यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। एप्पल मेंटेन करता है स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अपने सारे ही प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर आईफोन और एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने प्राइवेसी फ़ीचर्स की वजह से। यहाँ पर आपके सेंसिटिव डेटा को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। हैकिंग जैसी चीज़ें एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है एप्पल प्रोडक्ट्स में। और जब बात आती है सिक्योरिटी की तो कौन नहीं चाहता कि उसका डेटा सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो एप्पल यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखता है। इसके बाद यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है। एप्पल अपने डिज़ाइंस के लिए उतना ही पॉपुलर है जितना अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिए।
यहाँ पर इसके सारे ही डिज़ाइंस बहुत अलग और यूनिक होते हैं। एप्पल जब से मार्केट में आया है अपने जर्नी के बिगनिंग से कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेके आया है अपने प्रोडक्ट्स में। हर साल कुछ नया इंट्रोड्यूस ज़रूर करता है, चाहे वो अब कुछ नया स्पेशल फीचर्स हो, प्रोडक्ट हो, या फिर अपने फ़ोन की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना हो, सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट करना हो, ये बेहतर ही होते गया है, जिससे इसने कस्टमर के ट्रस्ट को अर्न कर लिया है। एप्पल ने यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम सेट कर लिया है कि अगर कोई एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा है और उसे लैपटॉप लेना है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एप्पल का ही लैपटॉप लेगा, मैकबुक ही खरीदेगा। अगर कोई फ़ोन अपना चेंज कर रहा है आईफोन से तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आईफोन ही खरीदेगा। मतलब अगर फ़ोन अपडेट भी करना होगा तो वो आईफोन के ही किसी और सीरीज़ को लेगा, लेकिन ऐसा दूसरे ब्रांड के साथ नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एप्पल ने पिछले इतने सालों में इतना बड़ा ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है, एक इतना बड़ा लॉयल फैनबेस जनरेट कर लिया है कि इतना महंगा होने के बाद भी जैसे ही एप्पल कुछ नया लॉन्च करता है, जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आता है, स्टोर के बाहर लाइन लग जाती है पहले ही दिन उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, आईफोन्स को खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से आईफोन्स और एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।